सैकड़ों वर्ष के बाद लगभग 400-500 वर्ष बाद यह अवसर आया है। पूरे देश के लिए ये प्रसन्नता का अवसर है, लेकिन यह अवसर राम भक्तों के लिए सौभाग्य का अवसर है। हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी प्रण था, आज उनके कार्यकाल में यह कार्य संपादित हो रहा है। ये प्रसन्नता का विषय है, संतोष का विषय है। हम सब वहाँ दर्शन करेंगे, हम स्वयं भी वहाँ जाएंगे। का फल आज प्राप्त हुआ, मूल बात यह है। अयोध्या में परमात्मा श्री राम की राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, हो रहा है, और कौशल्या की गोद में बैठे हुए परमात्मा श्री राम के विग्रह का दर्शन हम सभी लोग वहां करेंगे। बहुत वर्षों का यह प्रयास था, सैकड़ों वर्ष के बाद लगभग 400-500 वर्ष बाद यह अवसर आया है। इसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, युद्ध हुए, विधर्मियों ने हमारे धर्म स्थल को भ्रष्ट करके अपवित्र कर दिया, उसका विध्वंस भी हुआ। अदालत में, न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में साधु संतों के द्वारा, ट्रस्टों के द्वारा, निर्मोही अखाड़ा और दूसरे भी बहुत लोगों ने अदालतों का आश्रय लेकर के राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने भी प्रयास किया, न्यायालय में, लखनऊ में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी गईं और यह सफलता प्राप्त हुई। न्यायालय के आदेश से यह सफलता प्राप्त हुई। न्यायालय की सूचना के अनुसार भारत सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन किया और उस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी और अधिकार दिया गया। आज वह पूरी तैयारी में है। पूरे देश के लिए ये प्रसन्नता का अवसर है। सभी लोग परमात्मा श्री राम की उपस्थिति से ही सभी की उपस्थिति है। हम हैं, परमात्मा श्री राम हैं। बहुत से लोग प्रमाण पूछते हैं ना, विरोध करने वाले यह पूछ रहे हैं कि श्री राम हैं, इसमें क्या प्रमाण है। तो हम ये कहते हैं कि आप हो कि नहीं हो, यदि मैं हूँ, अहम अस्मी, हम हैं, तो श्री राम भी हैं, यही प्रमाण है। सारी सृष्टि श्री राम से प्रमाणित होती है, श्री राम को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर के कौशल्या की गोद में विराजमान होते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुई अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। ब्रह्म है, हमारे आपके लिए अवतार लेते हैं। अगर वो अवतार न लेते तो केवल उनका अनुमान ही किया जा सकता था। हम उनके अवतार के कारण अनुभूत करते हैं, उनकी मूर्तियों का, उनके विग्रह का दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं। तो इसमें मूल बात यह है कि बहुत संघर्ष के बाद ये अवसर भारत के और विश्व के सनातन धर्मावलंबी हिंदू धर्मावलंबियों को प्राप्त हुआ है। भगवान तो सभी का कल्याण करते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति भी सभी के कल्याण की कामना करती है, लेकिन यह अवसर राम भक्तों के लिए सौभाग्य का अवसर है। हम वहां दर्शन कर पाएंगे और जो बात आपने प्रश्न किया प्रधानमंत्री जी का,
कोई भी भारत में कोई भी सरकार होती इस अवसर पर तो मंत्रियों का, सरकार का, मुख्यमंत्रियों का और प्रधानमंत्री जी का ये कर्तव्य होता, होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है व्यवस्था करने की। फिर हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी प्रण था, संकल्प था कि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो और आज उनके कार्यकाल में यह कार्य संपादित हो रहा है। ये प्रसन्नता का विषय है, संतोष का विषय है। जहि कर जस भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाय, जिसके जिसे निमित्त बना करके परमात्मा जो काम करवाना चाहता है वो करवा लेता है। इसमें जेहि जब जस कर रघुपति करहि तेहि तब तस क्षण होय, बोले विहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जब जस रघुपति करहि तेहि तब तस क्षण होय। तो आज वो कृपा हुई परमात्मा श्री राम की, उन्होंने निमित्त बनाकर के यह अवसर दिया। हम सब वहां दर्शन करेंगे, हम स्वयं भी वहां जाएंगे, एक दो महीने में ही कार्यक्रम बना करके जैसी अनुकूलता होगी। अत्यधिक भीड़ होने के कारण अभी जाना नहीं हो पा रहा है, बाद में जाएंगे और दर्शन करेंगे। हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने, जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान ने भी इसके लिए बड़ा संघर्ष किया था। सबकी तपस्याओं का फल आज प्राप्त हुआ, मूल बात यह है।